मार्बल का दुकान है। देखिए सामने जितना भी आप लोग को सादा सादा पत्थर दिख रहा है सब यहाँ से मार्बल बनता है, और यहाँ काफी सारे चीज आप लोग को मार्बल का दुकान देखने को मिलेगा। यहाँ काम खत्म है, अब हम जाएंगे दूसरे शहर, यहाँ से 2 घंटा दूर है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सजीत ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइस अभी हम लोग जा रहा है, यानी कि राजस्थान के आसपास में एक जयपुर है, उसी जगह हम लोग जा रहा है, वहाँ से जाएंगे उदयपुर। तो आज आप लोग को ब्लॉग में दिखाएंगे जो हम लोग वाइट बंगाल से यानी कि राजस्थान जयपुर वीडियो में आप लोग को दिखाएंगे, और वहाँ का क्या क्या फेमस चीज़ है सब आप लोग को दिखाऊँगा, तो आप लोग वीडियो में जुड़ा रहिए। तो अभी आप लोग को दिखाता हूँ हम लोग का जो न्यू फरक्का है, ये स्टेशन आया हूँ अभी, और ये भाई भी है, आपका नाम क्या है? मोहम्मद इमरान शेख। और यहाँ एक फ्रेंड मिल गया है जो ये भी जाने वाला है, समी उल भाई, ये भी जाएगा, अजमेर जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ से निकलेंगे, तो आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ का नज़ारा। अभी हम लोगों का ट्रेन आएगा थोड़ी देर में, तो चलो आने के इंतजार करते हैं, उसके बाद ट्रेन में उठने के बाद आप लोगों से मिलते हैं। हेलो सो गाइस, अभी हम आ चुके हूँ जैसे कि वर्धमान। वर्धमान में हमको ट्रेन मिलेगा यानी कि रात की 12 बजे के बाद, यानी कि 5 बजे हम आ गए हैं और न्यू फरक्का से। अब यहाँ हमको वेट करना पड़ेगा और 12 बजने के बाद हमारा ट्रेन आएगा जयपुर के लिए। तो हम लोग यहाँ से थोड़ा वेट करते हैं, उसके बाद जाएंगे जयपुर की रास्ता से। गाइस अभी जैसे कि सुबह हो चुकी है और पूरा रात ट्रेन पे सफ़र था, और हम लोग का एसी बॉगी था, तो अभी हम लोग जा रहे हैं जैसे जयपुर के लिए। तो हम लोग अभी पूरा दिन हम लोग को ट्रेन में रहना पड़ेगा, और यानी कि रात की 12 बजे हम लोग जयपुर पहुंचेंगे। तो फिर चलिए, तो सो गाइस अभी बस पर हूँ, और जयपुर रात बजे 12 बजे हम पहुँच गए थे, और रात 12 बजे के बाद ये जो बस है एसी बस, इसे मैं आया हूं, और अभी सुबह हो रहा है, पूरा रात एसी बस पे था। और देखिए बगल में जितना भी आप लोगों को रास्ता दिखना पड़ेगा सब ये पहाड़ी इलाका है, और यहां से मार्बल वाला पहाड़ निकलता है और मार्बल बनता है गाइस। तो आप लोगों को चलो दिखाता हूं, जितना भी मार्बल है, मार्बल की दुकान जो है, फैक्ट्री जो है, सब इसी रोड से आएगा। तो गाइस यह उदयपुर हम लोग घुसने वाले हूँ, और यानी कि 3 दिन हमारा सफ़र हो चुकी है, और 3 दिन के बाद हम उदयपुर पहुंच रहा हूँ। उधमपुर में हमको शूटिंग करना है एक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी की, और वहाँ से हम लोग काम आगे जाएंगे, वहाँ से फिर हम सोमबेरपुर जाएंगे, 3.5 या 4 घंटे का रास्ता है। तो चलिए आप लोगों को रास्ते में काफ़ी सारे चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी हम बस पर हूँ, और 1 घंटे के आसपास में हम उदयपुर पहुँच जाएँगे। बस पर हूँ, और 1 घंटे के आसपास में हम उधर भी पहुँच जाएंगे। बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ का, सिर्फ से अच्छा लग रहा है। तो सो गाइस अब यहाँ से जितना भी रास्ता आप लोग देखेंगे यहाँ मार्बल ही मार्बल आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक से बढ़कर एक मार्बल का दुकान है। देखिए सामने जितना भी आप लोग को सादा सादा पत्थर दिख रहा है सब यहाँ से मार्बल बनता है, और यहाँ काफ़ी सारे चीज़
आप लोगों को मार्बल का दुकान देखने को मिलेगा। तो चलिए आप लोग वीडियो में जुड़ा रहिए। फाइनली हम लोग पहुँच चुकी हूँ और अभी होटल जो रूम लिया हूँ ठहरने के लिए,
क्योंकि 3 घंटे बाद हम लोग को जाना है, यहाँ से कुछ दूर है, और जिस मकसद से आया था, जिस काम से आया था वही काम होगा। यानी कि थोड़ा बहुत आप लोगों को बता दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी एक लॉन्च हुआ है, उसका रिव्यू करना है और एक कस्टमर के पास जाना है। उस बाइक में उतना देर से चला रहा है पुराना बाइक, वो जैसे कि लिया है 6 महीना से, वो कैसे महसूस कर रहा है, यानी कि उसका चार्ज कैसे दे रहा है, और बाइक स्कूटी जो चला रहा है वो कैसे चल रहा है, सब वीडियो में दिखाएंगे। तो चलिए यहाँ से मैं फ्रेश हो जाता हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। गाइस अभी हम लोग रेडी हो चुके हूँ और नहा भी लिया हूँ और पूरा सामान के साथ रेडी हो चुके हूँ। अब हम यहाँ से जाएंगे वीडियो शूट करने के लिए, जिस मकसद से आया था, जो एक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी है उसका रिव्यू करना है। तो गाइस आप लोगों को काफ़ी सारे चीज़ देखने को मिलेगा और स्कूटी का जो वीडियो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि मेरी मेन चैनल पर। तो ठीक है, आज ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ से फिर हम जाएंगे जयपुर और जयपुर से फिर कानपुर होकर घर जाएंगे। तो चलिए आप लोग वीडियो में जुड़ा रहिए। तो सो गाइस हम लोग आए थे इसी जगह और इस बाइक को रिव्यू करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक बाइक है। तो यहाँ काम ख़त्म है, अब हम जाएंगे दूसरे शहर, वहाँ से कुछ यहाँ से 2 घंटा दूर है, वहाँ भी एक वीडियो शूट करना है। तो वहाँ क्या हमको वीडियो शूट करना है, जो एक कस्टमर ने बाइक लिया है, आप उससे हमें रिव्यू लेंगे कि इतना दिन से बाइक चला रहा है, कैसा फील हो रहा है, क्या नेगेटिव हो रहा है, क्या पॉजिटिव हो रहा है। तो चलिए यहाँ से हम निकलता है। तो गाइस अभी होटल पे हूँ और इस होटल से होटल पर रुका हूँ और सिंगल बेड है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सोने का बेड है और एसी लगा हुआ है, फैन भी चल रहा है और टीवी है, तो आज रात यहीं रुकना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ से फिर कल एक वीडियो शूट करेंगे, वीडियो शूट करने के बाद फिर काम ख़त्म हो जाएगा, अब यहाँ से घर के लिए निकलेंगे, तो हम घर नहीं जाएंगे। तो गाइस हम जाएंगे जैसे कि जोधपुर से कानपुर, कानपुर में एक अजय भैया है, बाइक मैकेनिक, विंडर मैकेनिक और राकेश मैकेनिक, यूट्यूबर है। तो हम सोच रहे थे काफ़ी दिन से उससे मुलाकात करेंगे, तो मौका मिला है, ऐसा रोज रोज नहीं मिलेगा। तो मैंने कल का टिकट कटा लिया है और जैसे कि हम यहाँ जोधपुर से जाएंगे कानपुर, तो कल का वीडियो अलग शूट करेंगे। और तब तक के लिए आज का वीडियो यहाँ ब्लॉग हम समाप्त करते हैं यहाँ से, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतजार कीजिए। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।